एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट। इसमें देखिए क्या लिखा है, इवेल्युएट करना है सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके। तो फर्स्ट पार्ट है 99 का क्यूब, ये क्यूब है तीनों में लिखा हुआ है, 102 का क्यूब एंड 998, 998 का क्यूब, ये फाइंड आउट करना है हमें। तो फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, 99 का क्यूब, 99 का क्यूब, हमें इसको लिख सकते हैं हम 100 - 1 का क्यूब, और 100 - 1 का क्यूब लिखने के बाद अब इसमें आइडेंटिटी लगेगा, कौन सा लगेगा, a - b का होल क्यूब। तो a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a³ - b³ - 3ab इनटू में a - b। तो ये वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, तो इस वाली आइडेंटिटी की हेल्प से कितना बन जाएगा, इट बिकम्स 100 का क्यूब - 1 का क्यूब -3 × 100, ए 100 है हमारा, ये लिख सकते हैं हम, ए हेयर ए इज इक्वल टू 100 एंड बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, और ये फॉर्मूला लिख दिया हमने। तो 3 × 100 × 1 एंड a - b मीन्स 100 - 1, ये हो गया, इसको सॉल्व करेंगे। 100 का क्यूब लिखा हुआ मीन्स 100 × 100 × 100 थ्री टाइम्स, तो कितना जीरो हो जाएगा, 6, 2, 4, 5, 6, देखिए 100 3 टाइम्स है, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई सेम, और 100 ये जीरो कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स, तो हमने वही लिख लिया कि 6 टाइम्स, तो 1 और उसके बाद 60 मीन्स 10 लाख -1, इसका मल्टीप्लाई कितना बनेगा, 300 × 99, ये बन जाएगा हमारा 1 के बाद 6 जीरोस -1 एंड ये कितना बन जाएगा, 3 9 27, 3 9 27, 28, 29 एंड 2 जीरोस। अब इसका कैलकुलेशन करना है बस आपको, तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये है हमारा 10 लाख के बाद 1 एंड माइनस में 2 9 7 0 0, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर हो जाएगा 9 7 0 2 99, 9 लाख 70,299। सिमिलरली इसके बाकी पार्ट, सेकंड लिखा हुआ 102 का क्यूब, सेकंड पार्ट 102 का क्यूब, तो इसको कितना लिख सकते हैं हम, 100 + 2 का क्यूब, हेयर ए इज इक्वल टू 100, बी इज इक्वल टू 2, फॉर्मूला हो जाएगा a + b का होल क्यूब, एंड a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab इंटू में a+b। अब ये तो आपका लिखा हुआ था 100 + 2 का होल क्यूब, इसके इक्वल कितना हो जाएगा, 100 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 × 100 × 2 × 100 + 2, सेम 100 का पावर 3 है तो 6 जीरोज हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, 2 × 2 × 2, एंड जो हमारा नेक्स्ट है वो कितना दे रखा है आपको, 3 × 100 × 2, 3 × 2 = 6, ये हो गया 600, और 600 का मल्टीप्लाई 102 के साथ, ये सेम लिख लेंगे दोनों चीजें, पहले वाले प्लस 8 प्लस में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2 = 12 एंड 0 है तो सेम हो जाएगा, एंड 6 × 1 = 6 और 2 जीरो। अब इसको पूरे को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद कितना बन जाएगा, 1061208, ठीक है, ऐड खुद भी कर सकते हो। और लास्ट पार्ट में कितना लिखा हुआ है, 998 का क्यूब, 998 का क्यूब, थर्ड पार्ट 998 का क्यूब, ये कितना बनेगा, इट बिकम्स 1000 - 2 का होल क्यूब, एंड 1000 - 2 को सेम लिखेंगे, ए माइनस हेयर ए इज इक्वल टू 1000 एंड बी इज इक्वल टू 2, देयरफॉर a - b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ - b³ - 3ab इंटू में a - b, कितना हो जाएगा, 1000 - 2 का होल क्यूब, देयरफॉर लगा देंगे
इज इक्वल्स टू 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2 एंड 1000 माइनस 2 कितना हो गया, 90 हो जाएंगे, 3 6 90। ठीक है, 3 3 1000 का क्यूब है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 90, 2 का क्यूब 8 एंड इट बिकम 3 2 6 6000 इंटू में 998। सॉल्व कर लेते हैं इसको और उसके बाद सबट्रैक्ट करना है बस। इट बिकम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 एंड 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 जो 48, 3 0s लगा देते हैं पहले, 6 8 जो 48, 4 6 9 जो 54, 54 प्लस 4 कितना हो गया 58, 5 सेम 6 9 जो 54 प्लस 5 59, तो ये कितना बन गया 5 9 8 8 0 0 0। सॉल्व करना है खुद से, एडिशन चेक करना, इसको कैलकुलेशन चेक करना कि कितना बनता है आपका। ठीक है, ये बनेगा आपका कितना 9 9 4 0 1 1 9 9 2। कैलकुलेशन खुद से चेक करना एक बार, है ना। थैंक यू। 3 पार्ट्स थे, 3 पार्ट सॉल्व कर लिए।